दिस प्रॉब्लम इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक इट विल टेक लॉन्गर दैन दे इमेजेंड यहाँ पे हमारे अंडरलाइंड ईडियम है इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक ठीक है ऑप्शनज हैं हमारे इनवोल्वस ब्रेकिंग नट्स मतलब कि नट्स को तोड़ना सेकेंड इज नॉट इंटरेस्टिंग इनफ मतलब कोई चीज़ है जो इंटरेस्टिंग नहीं है थर्ड ऑप्शन इज डिफिकल्ट टू सॉल्व मतलब कुछ सॉल्व करना जो बहुत डिफिकल्ट हो रहा हो या फोर्थ ऑप्शन विच इज़ नीड्स आर लॉट ऑफ वर्क मतलब कि जिस चीज़ को किसी चीज़ को इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो या काफ़ी वर्क की जरूरत हो सो इन चार ऑप्शन में से हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है द थर्ड ऑप्शन विच इज इज इट डिफिकल्ट टू सॉल्व राइट तो अब सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा दिस प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट टू सॉल्व इट विल टेक लॉन्गर देन दे इमेजिंड सो इस ईडियम का मतलब होता है अ पर्सन अ पर्सन और थिंग दैट इज और थिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विथ ठीक है दैट इज डिफिकल्ट टू डील विथ डील विथ या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसे आप समझना और उससे डील करना मुश्किल पा रहे हो ठीक है सो so, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब हो गया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम जो कि सॉल्व uh, करना बहुत ही मुश्किल हो रहा हो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा हो या फिर कोई भी टास्क जिसको करना बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो कोई भी ऐसी चीज़ जिसे समझना डिफ़िकल्ट लग रहा हो राइट सो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट मीनिंग हो जाएगा क्लास सिक्स से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई, आई टी चाहिए मीनस और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर